रोते गया पर चस बड़ी आई है, ये आज के दिन तक नाकाम आशिकों का दिल जलों का स्लोगन है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये एंथम है उनका। ये आइडिया कैसे आया आपको? ट्रक के पीछे लिखा होता रोलते गया चस बड़ी आई है, आपने भी देखा होगा। ओ यस, हाँ ऑफ कोर्स। लेकिन मेरी आंख बड़ी, लेकिन मुझे ये गलतफहमी थी कि आपके गाने के बाद लिखा गया। नहीं नहीं, वो पहले के लिखा हुआ, ये बहुत पुराना है। उसके बाद सेकंड गाना मैंने वो जो गाया वो बड़ा अच्छा लगा लोगों को, तो लंग जा साड़ी खैर, ये भी मैंने वहां से लिया था। और एक अभी मेरा गाना मैंने शूट किया दुबई में, बड़ा अच्छा हूं आराम ही। अच्छा, ये सारी आम रोजमर्रा की लाइंस में लेता हूँ, लेकिन उसको लेके चलना आगे मुश्किल काम होता है। नहीं, जिस तरह के फिक्रियां ते तुहानू आमद हुंदी, अगर तुहानू जीटी रोड दा सिंगर कहिए बुरा च नहीं लगेगा। मामू, जीटी रोड पर अगर ये नारा चल सकता है मुझे क्यों निकाला, तो मलकु के सॉन्ग क्यों नहीं चल सकते? ओहो, वाओ। अच्छा वैसे मोहसिन, मलकु भाई बड़े दूर अंदेश सिंगर ने, तुहानू पता पीडीएम दी हुकूमत आण तो पहले ही इन्हां ने उन्हां दी तर्जमानी करती सी। कैसे? रोल च गए हैं पर चस बड़ी आई है। तुहानू पता है ऐसे ही मलकु साहब दे आइटम दा मेरी पांजी हुण रीमेक लॉन्च करन लगी। रियली? थैंक यू मोहसिन, इजाजत है? हां यस प्लीज। ओह थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। जी गाना कर जाइए। ओके मलकु डार्लिंग, इजाजत है? जी जाओ प्लीज। मतलब सुनाओ सुनाओ सुनाओ। दौर पीडीएम दा किसे नु नहीं भुलदा, एवरीबॉडी ओके। दौर पीडीएम दा किसे नु नहीं भुलदा, अखियां चो हर वेले खून डुलदा, 16 महीने अज एनी अन्नी पाई है, रुल के गए जिन्नी रोटी तू खाई रोलना ते पैणा, हाय हाय जिन्नी रोटी खाई रोलना ते पैणा जिन्नी अन्नी पाई। ओ मलकु डार्लिंग, अगर रोटी नहीं खाऊंगी तो बड़ी कैसे होंगी? यस रोलना ते पैणा, वेखो किन्नी महंगाई है, जिन्ने कीती महंगाई सुने अंदर होनो पाई है। अंकल घुस बैठिए। आप एग्जेजरेट कर रहे हैं, ये मुश्तरका का विषय है। मलकु भाई, सरगोदा दे किन्नू बड़े मशहूर है, तुहानू किन्ना टाइम लगा मशहूर होने च? जिन्ना किन्नियां नूं लगा। अच्छा, अब अगर मौजूदा दौर में आपको चलते हुए कोई पीछे से आवाज लगाए और मलक अशरफ, तो मुड़ के देखते हैं या इग्नोर कर देते हैं? इग्नोर कर देता हूँ। अच्छा, पक्के हो गए हो तुसीं? मलकु जी, दिल जले में शाम को शाका तो क्रप सिस्टम ने बनाया था, मलिक अशरफ को मलकु किसने बनाया? वाह, बड़ी अच्छी बात है। मलिक अशरफ को मलकु एक तो इस दुनिया ने, वाह, जो और सेकंडली सच ये है कि लोगों के जो अजीब से रवैये थे उन्होंने, सेकंडली गुरबत ने बनाया। बहुत सही गल, बहुत सही गल। तो आप अपनी मौजूदा जो फीस है वो आप डॉलर का रेट देख के तय करते हैं या आटे का पाओ? नहीं, मैं बंदे दी वर्थ देख के करदा, बस किन्ने पैसे दे सकते हैं। अच्छा मलक साहब, लेडी गागा ने मैनू डेट्स दे दितियां ने, ते रेनाल्डो राई नाल भी मेरी डील तकरीबन हो गई। अच्छा, रेनाल्डो राई। ते हुण मैं चाहना तुसी भी अपनी डेट्स दियो ताकि तुहाडा ते पांजी दा कंबाइंड शूट कीता जाए। मामू वैसे ये क्या बात हुई, आपने मलकु भाई की रजामंदी तो जानी नहीं, अपना फैसला सादिर कर दिया। मेरी जान, हम अमेरिकन फैसला ही सुनाते हैं, वरना पत्थर के दौर में भेज देते हैं। और जो फैसला मान ले भेजते उसे भी पत्थर के दौर में ही है। अच्छा, थोड़ी साड़ी काट रही है चोपड़ा। इट्स ओके, लेकिन मलकु अगर इनकार भी कर दें तो इनकी हुकूमत नहीं गिराई जाएगी। किस तरह डिगेगी हुकूमत? अच्छे केड़ा शेर मियां दाद ने साइफर लहरा के इन्हों नाहल करा देना। ठीक है, मैं इंशाल्लाह शूट का टाइम देंगे, लेकिन हाँ जी, शाम का टाइम होगा। क्यों? मैं गन ना शूट करना इन। सॉरी सॉरी, लग जा गले कभी भी नहीं। थोड़ा जवाब के फिर ये हसी रात हो ना हो, गल नहीं सी हुई वैसे। गल नहीं सी हुई, ऐसा जवाब देते दस जवाब दा मैं दस। इसे बोनस समझ के कबूल कर लो। ओ गान दे मुंडे मेरी यार। नहीं नहीं नहीं, इन्हें तो गन्ने भी मारोगे तो दौड़ जाएगी। गान दे ही मुंडिया पानी वाली।
बल्कि गर्म पानी वाली को डांग फड़ाओ मैनू यार नहीं नहीं बल्कि गर्म पानी वाली गन मंगाने फिर मैं कह सकूंगा गई भैंस पानी में ओके ओके डांग पकड़ाओ वो डांग पकड़ाना जिसके साथ नरगिस ने स्टेप किए थे वाकई मेरी भाण जी कली डांग नहीं नाल मंजी भी दियो असल च ना असी एक ट्रैक की वीडियो शूट करनी है ओके ओदे वास्ते लोकेशन मैं पसंद कीती है साहिब एरिया लेकिन मामू इतनी ठंडी लोकेशन पे शूट करना क्यों है और मेरी जान तेनू पता है जिन्नी उथे बर्फ पैनी है उथे इलेक्शन ते होना नहीं मैं कहा सी शूटिंग ही कर लेने पॉलिटिकल सटायर